हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं डीपी चौहान सर आपको न्यू पैटर्न पर शानदार तरीके से रीजनिंग संबंधी समस्याओं का हल कैसे कम से कम समय में करें वो सिखाऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी जर्नी। आज का चैप्टर होगा कैलेंडर। बच्चों, कैलेंडर में मैं आपको दिन ज्ञात करने का यूनिक तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। तो आपको दिन ज्ञात करने के लिए मंथ का कोड याद होना चाहिए। तो क्या होगा, आइए मैं बताता हूं। एक तरफ बच्चों मैं मंथ लिखता हूं यहां पे, और यहां पे लिखता हूं कोड। बच्चों, जनवरी और अक्टूबर का जो कोड होगा 0 होगा, मई का कोड 1 होगा, अगस्त का कोड 2 होगा, फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड 3 होगा, जून का आपका कोड 4 होगा, सितंबर और दिसंबर का कोड 5 होगा, अप्रैल और जुलाई का कोड 6 होगा। ध्यान देने योग्य बातें, यदि दिया गया वर्ष, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 होगा, बाकी का वही होगा। तो बच्चों, हम लोग जो दिन ज्ञात करेंगे, 1 जनवरी, इस भी एक को आधार मानकर, हम सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी, इस भी एक को आधार मानकर, तो 1 जनवरी इस भी एक को सोमवार था। यदि कैलेंडर की तिथि में बात करें, 1 जनवरी इस भी एक को सोमवार से चलकर आज 6 नवंबर 2019 दिन आपका बुधवार, ये आपका मंथ कोड हुआ। और मंथ कोड के साथ साथ एक चीज और जानना होगा आपको, शताब्दी कोड। तो जो शताब्दी कोड होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, शताब्दी कोड में एक तरफ मैं शेष लिखता हूं रिमाइंडर, दूसरी तरफ कोड लिखता हूं। यदि आपका शेष 0 है तो कोड आपका 6 होगा। एक मैं ऐसे लिख देता हूं 0 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, याद भी हो जाएगा आपका, 0 1 2 3, 6 4 20, ये तो सबको याद ही होगा। तो 6 आगे जोड़ना है दोस्तों। शताब्दी कोड में जो आपका शेष होगा, शेष का जो कोड होगा, यदि आपका 0 शेष आता है तो कोड आपका 6 होगा, 1 शेष आएगा तो 4 होगा, 2 आएगा तो 2 होगा, 3 आएगा तो 0 होगा। यदि मंथ कोड को अगर याद करना हो, थोड़ी सी चीज अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे इनको मैं एक साथ ले लेता हूं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं आपका,
जो मा। बच्चों अगर मैं जो को एक साथ लूंगी इसका कोड जीरो हो जाएगा, मा वन टू, आपका जनवरी हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, मई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फरवरी मार्च नवंबर का कोड याद करना हो तो कैसे आप याद करेंगे? आप एक साथ लिख सकते हैं, वैसे भी देखेंगे आप इसका एक एक अक्षर मैं लिख देता हूँ, एफ एम एन, कितने अक्षर हो गए? तीन, आप कह सकते हैं। वैसे आप एफ एम भी सुनते हैं, एफ एम, एफ एम नंबर तीन। जून का तो बहुत शानदार है, कैसे आप देखेंगे कितने अक्षर हैं इनके, चार अक्षर हैं बस, कोड आपका याद हो गया, कभी नहीं भूलेगा, जीवन में नहीं भूलेगा। सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर का कोड पाँच होगा, ए जे, जैसे बच्चे जो इलाहाबाद रहने वाले हैं सभी लोग जानते हैं ए जे, इलाहाबाद टू जौनपुर एक ट्रेन जाती है बच्चों को पहुँचाने के लिए, तो ट्रेन से जाने के लिए बच्चे 6 बजे निकलते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, वैसे कह सकते हैं ए जे के बजे 6 बजे याद हो जाएगा। बस एक बात ध्यान देना होगा बच्चों, मैं यहां पे नोट लिख देता हूं, क्या यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 होगा, बाकी का वही होगा। तो आइए मैं सिखाता हूं कैसे दिन ज्ञात करेंगे एकदम शानदार तरीके से। दोस्तों आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं कह रहा हूं आप मुझे प्रश्न दीजिए मैं आपको उत्तर दूंगा, तो इसको मैं मिटाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज के दिन कौन सा दिन होगा, तो आपको विषम दिन ज्ञात करना होगा। विषम दिन ज्ञात करने का मैं एक तरीका बताऊंगा कि किसी भी दिन में 7 से भाग दें, जैसे अगर आपको मैं यहां पर सिखा देता हूं विषम दिन, तो किसी भी दिन या तिथि में 7 से भाग देंगे तो जो शेष आता है वही आपका विषम दिन होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपके पास 176 दिन है और 176 में अगर आपने 7 से भाग दिया, जितनी बार भाग जाएगी वो आपका सप्ताह हो जाएगा, जो बचा वो आपका विषम दिन होगा। तो जैसे आप भाग दीजिए इसमें तो आपका 25 सप्ताह एक दिन हुआ, मैं आप लिख सकता हूँ 25 सप्ताह एक दिन, अर्थात एक विषम दिन। ध्यान देने वाली बात होगी कि विषम दिनों की संख्या 6 से बड़ी नहीं होगी, यदि 6 से बड़ी होगी तो आप 7 से भाग दे देंगे। विषम दिन के नाम जो हम सिखाएंगे दिन ज्ञात करने का, तो उसमें विषम दिन जो ज्ञात करेंगे हम लोग, उस विषम दिन में यदि 0 शेष आएगा तो कौन सा दिन होगा, 1 आएगा तो कौन सा दिन होगा, 2 आएगा तो कौन सा दिन होगा, विषम दिन के नाम ऐसे हम वृत्त में बना लेते हैं। जैसे विषम दिनों की संख्या अगर 0 आती है तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि 0 आता है तो रविवार हो जाएगा, संडे आप बोलते हैं, 1 आएगा तो आपका सोमवार हो जाएगा, 2 आएगा आपका मंगलवार हो जाएगा, 3 अगर आपका आ रहा है तो बुधवार हो जाएगा, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा,
पांच आएगा तो शुक्रवार फ्राइडे, और छह आएगा तो शनिवार हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं सप्ताह का प्रथम दिन रविवार होता है। तो चलिए मैं सिखाता हूं दिन कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, आपको याद रहना चाहिए। अगर जीरो से साया रविवार, दो से साया मंगलवार, जो भी आपका है ये याद होना चाहिए। तो मैं इसको मिटाता हूँ। यदि जिन बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप देख सकते हैं इसको, पूछ करके रुक करके नोट कर लें आप। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से सिखाया जाएगा। आप निश्चित रूप से एलिवेट कोचिंग क्लासेस से जुड़ें आप। दोस्तों जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने आपसे कहा कि विषम दिनों की संख्या अगर एक आए तो सोमवार, दो आए तो मंगलवार। तो आज हम लोग चेक करते हैं, जैसे 6 नवंबर है 2019 और हमें ज्ञात करना कि कौन सा दिन होगा, तो कैसे करेंगे आप? दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पे जो तिथि होगा वही लिखेंगे आप। 6 तो 6, अगर यहां पे 10 है तो 10, 15 है तो 15, ठीक है। तो यहां पे 6 है तो मैंने लिख दिया 6। उसके बाद यहां पे जो नवंबर माह लिखा गया है, नवंबर माह का कोड आपको याद होना चाहिए, नवंबर माह का कोड 3 होता है, हमने 3 लिख दिया। एक बात ध्यान देना होगा कि यहां पे इसको दो भागों में बांटेंगे, और ये पहला भाग होगा इसमें भी 4 से भाग देंगे, दूसरा भी भाग है इसमें भी 4 से भाग देंगे। और जो पहला भाग है आपका, जब इसमें 4 से भाग देंगे आप, तो जो शेष आएगा ये शताब्दी कोड के लिए काम करेगा। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 20 में, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हटाता हूँ मैं बच्चों। जैसे अगर आप 20 में 4 से भाग देंगे, भाग 5 बार जाएगी, 4 5 20, शेष कितना आया, तो आप कहेंगे शेष 0 आएगा। रिमाइंडर्स, अगर 0 आया तो कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही बात आपकी है, यहाँ पर दिख रहा है। यदि मान लीजिए कि 1919 होता तो क्या होता, तो आप कहेंगे 19 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा, और जब 3 शेष आएगा तो कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी आप सबका भी याद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम सवाल जो होते हैं ये 1900-2000 में ही बनते हैं। मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि 1800 दे दिया है, तो 1800 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। तो ठीक है, 2 शेष आएगा तो कोड भी क्या हो जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा कर रही नहीं 1700 का भी सर बता दिया जाए, तो 17 में अगर आप 400 से भाग देंगे, सॉरी 17 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेष 1 आएगा, और जब शेष 1 आएगा तो कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ये आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ जब भी आपका 20 दिखाई दे, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी आपका 20 हो तो उसका कोड 6 होगा, आप याद कर लेंगे। अब बात आती है 19 के, तो 19 में हम 4 से भाग देंगे, पहली बात तो हम यहाँ पर 19 लिख लेंगे, और जब 19 में 4 से जब भाग देंगे तो जो भागफल होगा को लिखेंगे। जैसे दोस्तों कुछ बच्चे पुअर माइंड के होते हैं, मैं उनके भी साथ हूँ, जो तेज हों तो समझ ही रहे होंगे। बच्चों जैसे आप 19 में 4 से भाग देंगे तो जो भागफल है, 4 चौक 16, भाग आपकी 4 बार जा रही है, 4 पचे 20 ज़्यादा हो जा रहा है, तो जितना आपका भागफल है को लिखना है, ठीक है। और इतना लिखने के पश्चात आप सबको जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात 7 से भाग दे दीजिए, या मैं यहीं पे 7 से भाग दे दूं, तो जो आपको आसान हो आप कर सकते हो। या तो आप जोड़ के 7 से भाग दीजिए, या आप यहीं पे काट दीजिए। जैसे मेरा अपना तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर 7 से भाग देता हूँ, 7 से जब भाग दूंगा आप देख पा रहे होंगे 6 3 9, 7 1 9 7 कितना, 9 2 9। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 19 और 2 21, तो 7 3 21 कट जाएगा। बच्चों 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 में जब 4 से भाग देंगे, सॉरी 7 से भाग देंगे, तो कितना शेष आया, आप समझ पा रहे होंगे 3 आया। और मैंने आपको बताया ही है जब विषम दिनों की संख्या 3 आती है तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं।
चीजें ना समझ में आए तो पीछे करके देख सकते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि 1 जनवरी ईस्वी या 2001 ले लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2001। बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो कहा था तिथि वही लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, याद होगा मैंने कहा था जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। 20 का कोड बच्चों अभी मैंने याद करवाया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, बस इतना ही होगा। क्या करेंगे बच्चों, काट दो 6 7, बचा कितना, 1। कौन सा दिन, सोमवार, आपका आंसर हो गया। कैसा लगा तरीका, जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बच्चों और भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अच्छा लगे तो जरूर आप प्रोत्साहन करेंगे एलिवेट कोचिंग को, हम लोग क्लास में भी और क्लास के बाद भी हर जगह सपोर्ट करेंगे। बच्चों एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऐतिहासिक तिथियां जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हो सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है तो किस दिन हुआ होगा, तो यदि आपको याद हो, जैसे हम लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम, देखिए दो चीजें रीजनिंग भी हो रहा है जीएस भी हो रहा है, शानदार तरीके से ध्यान दीजिए। 21 अप्रैल का कोड बताइए फटाफट, 6 हो जाएगा। 15 में कौन बताएगा, तेजी से बता दे भाई, 4 से अगर भाग देंगे शेष कितना आएगा, 3 आएगा, कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, 26 लिखूंगा, 26 में 4 से भाग दूंगा, जब 26 में 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी जाएगी, भाग पर फटाफट बोलिए 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, काट दीजिए। अब यहां पर देखिए, इसको काटिए, 7 3 21 5 हो जाएगा, 6 6 12 5 17 काट दीजिए, 7 9 14 कितना शेष आया, 3 बुधवार। जैसे एक एग्जांपल और लें, हम लोग आजादी की तिथि आपको याद ही होगा, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हम लोग याद कर लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947। बहुत से बच्चों को तो याद भी होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, एक थोड़ा सा शानदार तरीका मेरा अपना ये भी है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ 15 यहां लिखना ही है, तो क्यों हम लिखें, हम यहीं पे काट देना, 7 9 14 समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, 1 लिखेंगे। अगस्त का कोड कितना होगा, 2 हो जाएगा। 19 का कोड अभी आपको सिखाया, देख लो बेटा यहाँ पे 0 हुआ, मैंने 0 लिख दिया। 47 लिखूंगा, 47 में 4 से भाग दूंगा, कितनी बार भाग जाएगी, 11 बार। अब देखो 47 और 2 49 फटाफट काटो यार, 7 7 49 और यहाँ पे क्या, 11 और 1 12 7 9 7 कितना, 12 5 बता दो कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आप को यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें प्रोत्साहन करें ताकि हम और वीडियो और शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।